ओम शांति। आज 10 जुलाई 2020 के बाबा के महावाक्य हैं। बाबा समझा रहे हैं, तुम इस पढ़ाई से अपने सुख धाम जाते हो वाया शांति धाम। यही तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है, ये कभी भी नहीं भूलनी चाहिए। तुम इस पढ़ाई से अपने सुख धाम जाते हो वाया शांति धाम। यही तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है, ये कभी भी नहीं भूलनी चाहिए। बाबा ने प्रश्न पूछा, तुम बच्चे साक्षी होकर इस समय ड्रामा की कौन सी सीन को देख रहे हो? तुम बच्चे साक्षी होकर इस समय ड्रामा की कौन सी सीन को देख रहे हो? तो बाबा ने कहा, इस समय ड्रामा में टोटल दुख की सीन है। अगर किसी को सुख है तो भी अलपकाल कागविष्ठा समान है, बाकी दुख ही दुख है। तुम बच्चे अभी रोशनी में आए हो, जानते हो सेकंड बाय सेकंड बेहद सृष्टि का चक्र फिरता रहता है। एक दिन ना मिले दूसरे से सारी दुनिया की एक्ट बदलती रहती है और नई सीन चलती रहती है। डबल ओम शांति। आज बाबा हम बच्चों को डबल ओम शांति कह रहे हैं। एक बाप स्वधर्म में टिके हुए हैं, दूसरा बच्चों को भी कहते हैं अपने स्वधर्म में टिको और बाप को याद करो। और कोई ऐसे कह नहीं सकता है कि स्वधर्म में टिको। तुम बच्चों की बुद्धि में ये निश्चय है, कहा भी जाता है निश्चय बुद्धि विजयंती। फिर वही विजय पाएंगे, काहे को की विजय पाएंगे, जरूर बाप के वर्षे की। स्वर्ग में जाना ये है बाप के वर्षे की विजय पाना, बाकी है पद के लिए पुरुषार्थ। स्वर्ग में तो जरूर जाना है, बच्चे जानते हैं ये छी छी दुनिया है। बहुत अथाह दुख आने वाले हैं, ड्रामा के चक्र को भी तुम जानते हो। अनेक बार बाबा आया हुआ है पावन बनाकर सब आत्माओं को मच्छरों सदृश ले जाने के लिए, फिर खुद भी निर्वाण धाम में जाकर के निवास करेंगे। बच्चे भी जाएंगे, तुम बच्चों को ये भी खुशी रहनी चाहिए कि इस पढ़ाई से हम अपने सुख धाम जा रहे हैं वाया शांति धाम। ये तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है, ये भूलनी नहीं चाहिए। रोज रोज सुनते हो समझते हो, हमको पतित से पावन बनाने के लिए बाबा पढ़ा रहे हैं। पावन बनने का सहज उपाय है, सिर्फ याद करना है। ये भी नई बात नहीं है, लिखा हुआ भी है। भगवान ने हमको राजयोग सिखाया, सिर्फ ये भूल कर दी जो कृष्ण का नाम डाल दिया है। ऐसे भी नहीं, बच्चों को जो नॉलेज मिल रही है वे गीता के सिवाय कोई और शास्त्र में होगी। बच्चे जानते हैं कोई भी मनुष्य की महिमा है नहीं जैसे कि बाबा की है। बाबा ना आए तो सृष्टि का चक्र ही नहीं फिर सकता है। दुख धाम से सुख धाम कैसे बनता है? सृष्टि का चक्र तो फिरना ही है, बाबा को भी जरूर आना ही है। बाबा आते हैं हम बच्चों को ले जाने के लिए, फिर ये चक्र फिरता है। बाबा ना आए तो कलयुग से सतयुग कैसे होगा? बाकी ये बातें कोई शास्त्रों में तो नहीं लिखी हुई हैं। राजयोग तो है ही गीता में, अगर समझे भगवान आबू में आया है तो एकदम भागेंगे मिलने के लिए। सन्यासी भी चाहते हैं हम भगवान से मिलें। पतित पावन को याद करते हैं सो भी वापिस जाने के लिए। अब तुम बच्चे पद्मा पदम भाग्यशाली बन रहे हो।
वहां तो सुख भी अथाह होंगे। नई दुनिया में जो देवी देवता धर्म था वे तो अभी है नहीं। बाबा दैवी राज्य की स्थापना करते सो भी ब्रह्मा के द्वारा, ये तो क्लियर है। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ही यही है, इसमें संशय की बात नहीं है। आगे चलकर तुम बच्चे समझ जाएंगे, राजधानी भी जरूर स्थापन होती है। ये आदि सनातन देवी देवता धर्म है। जब तुम स्वर्ग में रहेंगे तो इनका नाम भारत पड़ जाता है। फिर जब तुम नरक में आते हो तो नाम पड़ता है भारत का, हिंदुस्तान नाम पड़ जाता है। यहाँ तो कितना दुख ही दुख है। फिर ये सृष्टि बदलती है, फिर स्वर्ग में है ही सुखधाम। स्वर्ग को तो सुखधाम ही कहते हैं। ये नॉलेज भी तुम बच्चों को है, दुनिया में मनुष्य कुछ नहीं जानते हैं। बाबा खुद कहते हैं अभी ये अंधियारी रात है, रात में मनुष्य कितना धक्के खाते रहते हैं। तुम बच्चे रोशनी में हो, ये भी साक्षी होकर बुद्धि में धारण करना चाहिए। सेकंड बाय सेकंड बेहद सृष्टि का ये चक्र फिरता रहता है। एक सीन ना मिले दूसरे से, सारी दुनिया की ये एक्ट बदलती रहती है, ये नई सीन चलती रहती है। इस समय टोटल दुख की सीन है। अगर सुख है सो भी कागविष्ठा के समान है, बाकी दुख ही दुख है। इस जन्म में करके सुख होगा, फिर दूसरे जन्म में दुख होगा। अब तुम बच्चों की बुद्धि में ये रहता है अभी हम अपने घर जाएंगे। इसमें मेहनत करनी है सो भी पावन बनने की, श्री श्री ने श्री मत दी है सो भी श्री लक्ष्मी श्री नारायण बनने की। बैरिस्टर मत देंगे बैरिस्टर भव, बाबा ने कहा बैरिस्टर भी अगर मत देंगे तो बैरिस्टर बनने की देंगे ना। अब बाबा भी कहते हैं श्री मत से ये बनो, अपने से पूछना चाहिए मेरे में कोई अवगुण तो नहीं है। इस समय गाते भी हैं मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण ना ही, आपे ही तरस परोए। अब तरस अर्थात रहम, बाबा कहते बच्चे मैं किसी के ऊपर रहम करता ही नहीं हूँ, रहम तो हर एक को अपने ऊपर ही करना है। ये भी ड्रामा बना हुआ है, बेरहमी रावण तुमको दुख में ले जाते हैं। ये भी ड्रामा में नूंद है, इसमें रावण का कोई भी दोष नहीं है। बाबा आकर सिर्फ राय देते हैं, ये ही उनका रहम है। बाबा हम बच्चों को सब कुछ आकर समझाते हैं, ज्ञान सुनाते हैं, ये समझो बाबा हमारे ऊपर रहम कर रहे हैं। बाकी ये रावण राज्य तो फिर भी चलेगा। ड्रामा भी अनादि है, ना रावण का दोष है ना ही मनुष्य का दोष है। रावण से छुड़ाने के लिए बाबा युक्तियां बताते रहते हैं। रावण मत पर तुम कितना पाप आत्मा बनते हो, अभी ये तो पुरानी दुनिया है, फिर जरूर नई दुनिया होगी। ये चक्र तो फिरता रहता है, सत्युग को फिर जरूर आना है। अभी ये है संगम युग, महाभारत लड़ाई भी इस समय की है। कहते भी हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि विनशन्ति, अब ये तो होना ही है। और हम विजयंती स्वर्ग के मालिक होंगे, बाकी सब होंगे ही नहीं। ये भी समझते हो पवित्र होने के बगैर देवता बनना बहुत मुश्किल है, जब तक पवित्र नहीं बनते हैं तब तक देवता भी नहीं बन सकते। अभी बाबा से हम बच्चों को श्रीमत मिलती है सो भी श्रेष्ठ देवता बनने की, ऐसी मत कभी भी मिल नहीं सकती है। श्री मत देने का पाठ उनका संगम युग पर है, बाबा हम बच्चों को संगम पर ये पाठ देते हैं। और कोई में ये ज्ञान है ही नहीं, भक्ति माना ही भक्ति। बाबा क्या समझा रहे हैं, भक्ति माना भक्ति, उनको ज्ञान नहीं कहेंगे।
रूहानी ज्ञान ज्ञान सागर रूह ही देती है, उनकी ही महिमा है। ज्ञान का सागर, सुख का सागर, प्रेम का सागर, आनंद का सागर। बाबा पुरुषार्थ करने की युक्तियां भी बताते हैं। ये भी ख्याल रखना चाहिए, अगर हम अभी फेल हो गए तो कल्प कल्पांतर के लिए हम फेल हो जाते हैं, फिर बहुत चोट लग जाएगी। श्री मत पर ना चलने से चोट लग जाती है। ये ब्राह्मणों का झाड़ तो जरूर बढ़ना है, इतना बढ़ेगा जितना कि देवताओं का झाड़ है। तुमको पुरुषार्थ करना भी है और औरों को कराना भी है। ये भी सैपलिंग लगती रहेगी, झाड़ तो बड़ा हो जाएगा। तुम जानते हो अभी हमारा कल्याण हो रहा है। पति दुनिया से पावन दुनिया में जाने से हमारा ही कल्याण होता है। तुम बच्चों की बुद्धि का ताला अभी खुल गया है। अभी तो हम बच्चों की बुद्धि का ताला खुल गया है और बाबा तो बुद्धिवानों की भी बुद्धि है। अभी तुम समझ रहे हो, आगे चलकर देखना किस किस का ताला खुलता है। ये भी ड्रामा चलता है, फिर सत्युग में ये रिपीट होगा। लक्ष्मी नारायण जब सत्युग जब तख्त पर बैठेंगे तब से संवत शुरू हो जाता है। तुम लिखते भी हो वन से 1250 वर्ष तक स्वर्ग, कितना क्लियर है। पहले वन वन होगा और वहीं से शुरू होगा। फिर ये कहानी सत्यनारायण की है, कथा अमरनाथ की है। तुम अभी सच्ची सच्ची अमर कथा सुन रहे हैं। जैसे शास्त्रों में कहा गया है ना कि शिव ने क्या सुनाई, अमर कथा सुनाई, और अमरनाथ कहते हैं शिव बाबा को, उन्होंने अमर कथा सुनाई और पार्वती सो गई और कबूतरों ने सुना, वो अमर हो गए। तो बाबा ने कहा ये बात अभी की है। बाबा हम बच्चों को जगाने आते हैं और फिर भी मनुष्य आत्माएं सो ही रहती हैं। ये त्योहार आदि सब इस समय के हैं। नंबर वन पर्व तो शिव बाबा की जयंती को कहा जाता है। कलयुग के बाद जरूर बाबा को आना होता है नई दुनिया को चेंज करने के लिए। चित्रों को भी कोई अच्छी रीति से तो देखे ना, तो कितना पूरा हिसाब बना हुआ है। तुमको ये खात्री है जितना कल्प पहले पुरुषार्थ किया है उतना हम जरूर करेंगे। साक्षी होकर औरों को भी देखेंगे और अपने पुरुषार्थ को भी तुम जानते हो। तुम भी जानते हो, स्टूडेंट अपनी पढ़ाई को नहीं जानते होंगे। बाबा कह रहे हैं कि बाबा ने कहा स्टूडेंट भी अपनी पढ़ाई को नहीं जानते हैं। फिर अब जब पढ़ाई नहीं जानेंगे, पता ही नहीं होगा कितना पढ़ा है, तो फिर जरूर दिल खाएगी कि हम इस सब्जेक्ट में बहुत कच्चे रह गए, फिर नापास हो जाएंगे। इम्तहान के टाइम में जो कच्चे होते हैं उनकी दिल जरूर धड़कती होगी। तुम बच्चे भी साक्षात्कार करते रहेंगे परंतु नापास तो हो ही गए, फिर क्या कर सकते हैं। जो स्कूल में नापास होते हैं तो उनके संबंधी भी नाराज, टीचर भी नाराज हो जाते हैं, कहेंगे हमारे स्कूल में कम से कम पास हुए तो समझा जाएगा टीचर इतना अच्छा नहीं था, इसलिए फिर कम पास हुए। बाबा भी जानते हैं सेंटर्स पर कौन कौन अच्छी टीचर है, कैसे पढ़ाती है और कौन अच्छी अच्छी रीति पढ़ाकर ले आती है, ये सब मालूम पड़ता है। बाबा कहते बादलों को लाना है, छोटे बच्चों को अगर लाते हैं तो फिर उनमें ही मोह रहता है, फंसे रहते हैं, फिर उनमें बुद्धि रहेगी। अकेला निकल कर आना चाहिए। मधुबन जाते हैं ना तो बच्चों को लेकर जाते हैं तो फिर वो क्लास भी करने नहीं देते हैं और उनकी तरफ ही बुद्धि रहती है फिर। तो बाबा ने कहा बच्चों को तो वहां भी कोई देखता रहेगा ना। बाबा कहते ये पुरानी दुनिया तो कब्रिस्तान होनी है, नया मकान बनाते तो बुद्धि में रहता है, हमारा नया मकान बन रहा है।
धंधा आदि तो करते रहते हैं, परंतु बुद्धि फिर भी नए मकान की तरफ रहती है। अब चुप कर तो नहीं बैठ जाते हैं, ये है हद की बातें। और बाबा ने कहा, ये बेहद की बात है। हर कार्य करते हुए ये स्मृति रहे, हम घर जाकर फिर अपनी राजधानी में जाएंगे तो अपार खुशी रहेगी। बाबा कहते, बच्चे अपने बच्चों आदि को भी संभालते रहो, उनको भी संभालना है, परंतु बुद्धि वहां लगी रहे। याद नहीं करते तो पवित्र भी नहीं बन सकेंगे। याद से पवित्र और ज्ञान से कमाई होती है, याद से पवित्र बन जाते हैं और ज्ञान से कमाई हो जाती है। यहाँ तो सभी पतित हैं, दो किनारे हैं, बाबा को खवैया भी कहती हैं, परंतु अर्थ तो नहीं समझते हैं। तुम जानते हो बाबा हमको उस किनारे पर ले जा रहे हैं। आत्मा जानती है हम अब बाबा को याद करके बहुत नजदीक जा रहे हैं। देखो खवैया नाम भी अर्थ सहित रखा है ना, बाबा को खवैया भी कहते हैं, तो ये भी अर्थ सहित नाम है। ये सब महिमा करते नैया मेरी पार लगाओ, लेकिन अर्थ कुछ समझते नहीं है। कलयुग में ही पुकारते हैं, तुम बच्चे समझते हो, जो बेसमझ हैं उनको तो यहाँ आना नहीं है। ये बाबा मधुबन के लिए कहते हैं ना, जब बाबा से मिलने जाते हैं, बाबा ने कहा जिनको समझ नहीं है उनको तो कुछ भी लाएंगे तो उन्हें समझ कुछ नहीं होगी। बाबा की ये सख्त मना है, निश्चय नहीं है तो कभी भी नहीं लाना चाहिए। कुछ भी समझेंगे नहीं, पहले तो 7 रोज का कोर्स देना चाहिए, क्योंकि 7 रोज का कोर्स तो बहुत जरूरी है, क्योंकि ये है ज्ञान में चलने का बेस। कोई को तो 2 रोज में भी तीर लगता है। तेज बुद्धि जो होंगे वह कोई बात की परवाह नहीं करेंगे। अच्छा, एक नौकरी छूटी तो दूसरी मिल जाएगी। बच्चे दिल वाले जो होते हैं उनकी नौकरी आदि छूटती ही नहीं है, खुद ही वंडर खाते हैं। बच्चियां कहते हैं, बाबा हमारी पति की बुद्धि को फेरो। बाबा कहते, मुझे ये बातें मत कहो, क्योंकि मैं, बाबा कहते, ये काम करने नहीं आता हूँ। तुम योग बल में रह करके उनको ज्ञान समझाओ, बाबा थोड़े ही बुद्धि फेरेंगे। फिर ऐसे बाबा क्या यही धंधे करेंगे, जो रसम निकलती है उनको पकड़ लेते हैं। गुरु से किसी को फायदा हुआ क्या, सुना तो बस फिर उनके पीछे पड़ जाते हैं। नई आत्मा आती है तो उनकी महिमा तो निकलेगी, फिर बहुत फॉलोअर्स बन पड़ते हैं। इसलिए इन सब बातों को देखना नहीं है, तुमको तो अपने को देखना है। हम कहाँ तक पढ़ते हैं, क्या देखना है कि हम कहाँ तक पढ़ रहे हैं। ये तो बाबा डिटेल में जैसे कि चिट चैट करते हैं, बाकी सिर्फ कह देना बाबा को याद करना करो, ये तो घर में भी रह कर कर सकते हैं। लेकिन बाबा तो ज्ञान का सागर है, तो जरूर हमें बाबा ज्ञान ही देंगे। ये मुख्य बात है मन मना भव, बाबा हमेशा कहते बच्चे मन मना भव, माँ में कम याद करो। साथ में सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज भी बच्चों को समझाते रहना है। चित्र तो इस समय बहुत अच्छे अच्छे निकले हैं, इनका अर्थ भी बाबा ही समझाते हैं। कहते भी हैं, विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला। अब त्रिमूर्ति है, फिर विष्णु की नाभि से ये ब्रह्मा, फिर इसको क्या कहेंगे। बाबा बैठ समझाते हैं, ये राइट है या रॉन्ग है। मनोमय चित्र भी कितने ढेर बनाते हैं, कोई कोई शास्त्रों में चक्र भी दिखाते हैं, परंतु कोई ने कितनी आयु लिखी, कोई ने कितनी लिख दी। ये भी अनेक मत है, शास्त्रों में तो सब हद की बातें लिख दी हैं। बाबा बेहद की बातें समझाते हैं कि सारी दुनिया में रावण राज्य है, ये तुम्हारी बुद्धि में अभी ज्ञान है। हम कैसे पतित बने, फिर हम कैसे पावन बनते हैं,
पीछे फिर और धर्म आते रहते हैं, ये अनेक वैरायटी है, एक ना मिले दूसरे से। एक जैसे फीचर वाले तो दो हो नहीं सकते ना, एक जैसे फीचर वाले दो कैसे हो सकते हैं। ये बना बनाया खेल है जो रिपीट हो रहा है। उन्होंने कहा ये ड्रामा कोई नहीं बनाता, ये एक्यूरेट रिपीट होता रहता है। बाबा बच्चों को बैठ समझाते हैं, टाइम बहुत थोड़ा है, अपनी जांच करते रहो, हम कहाँ तक खुशी में रहते हैं। हमको कोई भी विक्रम नहीं करना है, तूफान तो बहुत आएंगे। बाबा ने कहा वो तो कोई कमी नहीं रहेगी, क्योंकि परिस्थितियां समस्या तो आएंगी ही आएंगी। बाबा समझाते बच्चे अंतर्मुख होकर अपना चार्ट रखो, तो जो भूले होती हैं उनका फिर पश्चाताप भी कर सकेंगे। ये जैसे योग बल से अपने को माफ करते हो। बाबा कोई क्षमा या माफ नहीं करते हैं, ड्रामा में क्षमा अक्षर ही नहीं है। तुमको अपनी मेहनत करते रहना है, बस बाबा ने कहा कुछ नहीं करो, बस अपनी मेहनत करो, कुछ भी हो जाए बाबा को याद करते रहो। पापों का धन तो मनुष्य खुद भोगते हैं, यहाँ क्षमा आदि की बात नहीं है। क्षमा तो बाबा ने कहा अपने ऊपर आप पे ही करनी है। बाबा कहते हर बात में मेहनत करो। बाबा बैठ युक्ति बताते हैं आत्माओं को। देखो बाबा को भी बुलाया तो पुराने देश में, सो भी रावण के देश में हमने बुलाया है। हम पतितों को आकर पावन बनाओ, ये हमने ही बोला है ना, परंतु मनुष्य समझते नहीं। वह है आसुरी संप्रदाय, तुमको ब्राह्मण संप्रदाय। तुम अभी दैवी संप्रदाय बन रहे हो, पुरुषार्थ भी बच्चे नंबर वार करते हैं, फिर कह देते हैं इनकी तकदीर में तो इतना ही है। कितना अपना टाइम वेस्ट करते रहते हैं। जन्म, बाबा ने कहा जब टाइम वेस्ट करेंगे तो जन्म जन्मांतर कलम कल्पांतर ऊंच पद नहीं पा सकेंगे। अपने को घाटा नहीं डालना चाहिए, क्योंकि ये अभी जमा हो रहा है, अगर अभी जमा नहीं करेंगे तो फिर घाटे में चले जाएंगे। रावण राज्य में कितना घाटा होता है, बाबा ने कहा अभी तो जो भी कुछ होता है माया के वश में जो भी करते हैं उसमें घाटा ही होता जाता है, नीचे गिरते ही आए ना। अभी बाबा ने हमारा हाथ पकड़ा है और अभी हमारा जमा होता है। अच्छा मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति, मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को नमस्ते 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 जी, गुड मॉर्निंग बाबा। धारणा के लिए मुख्य पॉइंट्स हैं, अंतर्मुखी बन अपनी जांच करनी है। जो भी भूले होती हैं उनका दिल से पश्चाताप कर योग बल से माफ करना है। हाँ, जो भूले हो जाती है दिल से उसको बाबा के सामने उनको सुनाओ, उसके लिए ऊपर महसूसता अपने अंदर करो कि मेरी ये गलती है, अब कभी नहीं होगी, तो उससे क्या हो जाएगा, तो फिर योग बल से क्या हो जाएगी, वो कुछ खत्म हो जाएगा, वो भी जो हिसाब किताब बनता है। तो बाबा हमेशा कहते हैं कि भले दाग तो लग गया, जो है उसकी सजा तो मिलेगी, लेकिन बाबा को सुनाने से कम हो जाती है। तो अपनी मेहनत करनी है। दूसरी पॉइंट है बाबा की जो राय मिलती है उस पर पूरा चलकर अपने ऊपर आपे ही रहम करना है। साक्षी होकर अपने व दूसरों के पुरुषार्थ को देखना है। कभी भी अपने को घाटा नहीं डालना है। और आज का वरदान है निरंतर याद के द्वारा अविनाशी कमाई जमा करने वाले सर्व खजानों के अधिकारी भव। निरंतर याद के द्वारा अविनाशी कमाई जमा करने वाले सर्व खजानों के अधिकारी भव। निरंतर याद के द्वारा हर कदम में कमाई को जमा करते रहो, तो सुख
शांति, आनंद, प्रेम इन सब खजानों के अधिकार का अनुभव करते रहेंगे। कोई कष्ट कष्ट अनुभव नहीं होगा, कोई भी कष्ट कष्ट अनुभव नहीं होगा। संगम पर ब्राह्मणों को कोई भी कष्ट हो नहीं सकता है। बाबा ने क्या समझाया? संगम पर कोई भी कष्ट ब्राह्मणों को नहीं हो सकता। यदि कोई कष्ट आता है तो बाबा की याद दिलाने के लिए जैसे गुलाब के पुष्प के साथ जो कांटा होता है, वही कांटा उसके बचाव का साधन होता है। वैसे ये तकलीफें और ही बाबा की याद दिलाने के निमित्त बनती है। उतना हमारा निश्चय, उतना हमारा कनेक्शन बाबा के साथ जुड़ता जाता है। स्लोगन है, परमात्म श्री मत के आधार पर, परमात्म श्री मत के आधार पर।